please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मजहब धर्म के नाम पे जहर न घोलो, हम एक हैं बोलो, हम एक हैं बोलो, हम एक हैं बोलो, हम एक हैं बोलो। अनेकता में एकता की मिसाल है भारत, अनेकता में एकता की मिसाल है भारत। सियासी राजनीति से बेहाल है भारत, बात हमारी सोला आने सच है तोलो, हम एक हैं बोलो, 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 हम एक हैं बोलो। मजहब धर्म के नाम पे, मजहब धर्म के नाम पे जहर न घोलो, हम एक हैं बोलो, 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 हम एक हैं बोलो। आपा जी क्या बात है, किनॉट प्लेस में आपका एक बार फिर मुद्दे के साथ स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। पैनल में हमारे साथ आज लोग जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ ही पाजी एक बार कैमरा घुमाना चाहिए, आपको दिखा तो देना ही चाहिए, क्योंकि जो पैनल है वही बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता है, लेकिन जनता हमारे शो की जान है, वही इसमें जान डालती भी है, फूंकती भी है। अलबत्ता कुछ लोग मुझसे ये ज़रूर कहते हैं कि आप सिर्फ कनॉट प्लेस तक क्यों सीमित हो गए, आपको तो देश भर में घूमना चाहिए, और ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी जायज़ मांग है। मैं जाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मुंबई गया था, बहुत जल्द यूपी की तरफ रुख करेंगे और फिर बिहार की तरफ आना चाहेंगे और प्लान बनाते हैं और आपके पास पहुँचने की पूरी कोशिश जद्दोजहद करेंगे और आप तक पहुँचें, आपके गांव तक पहुँचें, ये हमारी कोशिश रहेगी। और यही इस शो का मकसद था और यही इस शो की सबसे पहले खूबी थी कि गाँव तक अगर हम पहुँचें, और जैसा कि हमने शुरुआत में किया था तो सबसे बड़ी बात, तो हम सिर्फ कनॉट प्लेस तक नहीं, लेकिन आज का जो मुद्दा है भुट्टी का मुद्दा हम जरूर बताएंगे। और आज का जो ट्विटर पे सवाल हमने पूछा है, ट्विटर पे सवाल ये है कि क्या मर्जी से शादी को लव जिहाद का नाम देना सही है। एक बार फिर से सवाल कि क्या मर्जी से शादी को लव जिहाद का नाम देना सही है। आप एट प्रतीक टीवी पे जाके, एट प्रतीक टीवी पे जाके अपना घर बैठे वोट दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुद्दे से। शो के बाद में हम बताएंगे, यानी बीच में, कि आपने अपनी जो राय रखी वो कहां तक पहुंची। जी हाँ, मुझे मालूम है आज की जो वोटिंग है बहुत नेक टू नेक है, बहुत ज़बरदस्त आप वोट कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो कोशिश ये रहेगी कि हम बीच में शो में आपको बताएं, लेकिन आज की बात तो शुरुआत करेंगे कहां से। जी हाँ, आज तो बात है लव पर बजरंग दल का जिहाद, लव पर बजरंग दल का जिहाद, इसी पे बात होगी। और सबसे पहले जनता की तरफ रुख करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? शाहनवाज साहब। कहाँ के रहने वाले हैं शाहनवाज भाई? बिहार के। बिहार के, बिहार में कहाँ से? अररिया जिला। अररिया जिला पानी में डूबा रहता है, मत पूछो। मैंने देखा अररिया को, ओहो इतना ज्यादा पानी में डूबा रहता है, कैसे जिंदा रहते हैं आप? सर तो वैसे ही जिंदा रहना पड़ेगा जैसे रखेगा। रोज ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे कुछ लोग चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरते हैं, वैसे ही जिंदा रहते हैं, बस यही बात है। तो जनाब बताइए, आज लव जिहाद पर बोलेंगे आप, क्या सवाल है आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? क्या बताते, कुछ और सवाल दिमाग में आता है, मौका लगा है जब आपके सामने नेशनल टीवी पूछ रहा है तो बताएंगे कुछ? नहीं सर, आप बताइए क्या? ये एक PACL लिमिटेड नाम से कंपनी है। हाँ, उसमें लाखों लोगों का पैसा जो है गड़ाक है, वो पैसा वापसी नहीं कर रही है सर। तीन साल हो गए, तीन साल से ना ही तो कोई किसी का पैसा वापस कर रही है और ना ही कोई जवाब दे पा रही है। ये मेरे पास है लाखों, हर एक जमा किया था पैसा? जी हाँ। कितना? जी मैंने 42,000 रुपए के आसपास में जमा किया है। जिंदगी भर की तो कमाई तो लगा दी उसी में। जी उसी में लगा। तो एक कंपनी का
क्या नाम है वैसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताजुद्दीन। ताजुद्दीन साहब हैं, एक पर्ची लेके आए हैं, कोई कंपनी का नाम बता रहे हैं, पैसा जमा किया, फ्रॉड कंपनी भाग गई, इसको लेके बहुत परेशान है, बंद है। तो आज उनको मौका लगा कि भैया जी तो तमाम बातें करते हैं, तो लगे हाथ ये मौका है। भैया जी ने माइक लगाया और इसने ताड़ा, और ताड़ने के बाद बोला साहब मेरा पैसा वापस करा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बात रखी। और ये शो भी इसी मकसद से है, ये शो इस मकसद से नहीं है कि रोज बहस हो, हिंदू मुसलमान हो बहस हो, वो चरम पे पहुंचे, इसके लिए है भी नहीं, तुम्हारी बात रखने के लिए है। यहाँ तो सर जो है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गलत साबित करती रहती है, बहुत से कहती है इन्होंने ये करा इन्होंने ये करा, मगर ये आपस में लड़ते रहते हैं। जो मेन मुद्दा है उस पर कभी ये बात, तुम्हारा पैसा वापस आना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा है, ऑफकोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ताजुद्दीन भाई आपका पैसा वापस आए। इस मकसद, ये बहस से ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ये बहस से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अच्छा ये बताओ ताजुद्दीन साहब, एक बात मैं आया बस, अब तो बात आया जनाब, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्रा है जी। कुछ बोलना चाहते हैं? आप पूछे क्या? अरे मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि किसी ने मोहब्बत की हो तो बात करे, मैं तो आज यही बात है, आपने की मोहब्बत? ऐसा है, देखिए बीजेपी जो है सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे काम करती है, लव जिहाद जैसे, जो कि आजकल मैं खुद एक युवा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, लेकिन उन्होंने रोजगार से हटा करके बेरोजगारी आज के टाइम पे देश में इतनी बढ़ चुकी है, जीडीपी देश में गिरती जा रही है, लेकिन मोदी जी का ध्यान उस टाइम उस तरफ नहीं है, उनका ध्यान लव जिहाद की तरफ है, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का है सरोकार, लेकिन वो है सरोकार है, थोड़ा बहुत तो हो ही गई। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुद्दे से भटका रही है, बात होनी चाहिए थी जीडीपी, हाँ बात होनी चाहिए थी आर्थिक मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, लेकिन वहां तो ध्यान नहीं है, बीजेपी का ध्यान लव जिहाद की तरफ है। और उन्होंने ये भी बात कही कि प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देते इस बात पे। जी कुछ जी, हम पश्चिमी चंपारण से आए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन उसी पश्चिमी चंपारण। मैं जानता हूं, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और दल भी ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कब तक लड़ेंगे? हम लोग सारे बेरोजगार इस रोड पर हम लोग घूम रहे हैं, कनॉट प्लेस के कब तक हम लोग घूमते रहेंगे? इस पर हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मन के बात छोड़िए और विकास के बात कीजिए। क्या बात, और हम लोग बेकार घूम रहे हैं, बेकरारी को हम लोगों को दूर कीजिए। क्या बात है, बेकरारी से याद आया कि आज का मुद्दा जो है लव जिहाद है, इस बेकरारी से याद आ गया मुझे कि मुद्दा आज जो है वो लव जिहाद है, उसी पे लौटेंगे। जनाब आपका नाम क्या है? रियाज। रियाज भाई, तो मोहब्बत की कि नहीं की? मोहब्बत की नहीं हमने। अच्छा कोई बात नहीं, मोहब्बत समझते हैं, मोहब्बत की नहीं लेकिन मोहब्बत समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई इस मोहब्बत में, इस प्यार में कोई खलल डालता है? क्या कोई ऐसा भी है जो कहता है कि ये जो लव जिहाद है इस पे कोई तीर है, कमान है? तो मैं सबसे पहले हिंदू के जो लंबरदार हैं उनको खड़ा करना चाहेंगे, और ये अपना नाम इनका हो गया, साहब खड़े होइए। और हमारे साथ अजय गौतम, हम हिंदू से हैं, खड़े होना चाहते हैं। ये बताइए, मोहब्बत करते हैं कोई और परेशानी होती है आपको, क्यों भाई? ये बताइए मुझे क्यों परेशानी होती है? मोहब्बत करने वालों को करने दीजिए, आपको परेशानी क्यों होती है? देखिए, अगर वास्तव में किसी ने मोहब्बत करी होती, किसी ने लव करा होता तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन जिहाद के नाम पर अगर लव किया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने NIA जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसको कहा कि इन मामलों को देखो, ये क्यों हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती लव जिहाद करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं? प्रतीक भाई, मैं लव की हिमायत करने वाले सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर लव किया है किसी लड़की ने तो उसका मजहब चेंज कराना जरूरी है क्या? क्या दोनों अपने 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 मजहब के अंदर नहीं रह सकते? सर देखो, प्यार करना एक अलग चीज है, लेकिन किसी मजहब को चेंज करना या किसी का धर्म, वो बहुत गलत है। ये किसी का मजहब चेंज करना वो बहुत गलत है। आप अगर प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसमें जिहाद कहाँ से है? सर मैं कह रहा हूँ कि प्यार करने के बाद मजहब कौन चेंज करा रहा है, पहली बात तो ये। और मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि जिहाद का मतलब बताएं पहले, असलियत में जिहाद का मतलब क्या है? असलियत में जिहाद का मतलब तो बताएं। मैं आया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लव जी, सुनिए ना, सुनिए सवाल किया, जवाब सुनिए। नेशनल शूटर तारा सहदेव हस्बैंड अरेस्टेड, क्यों? क्योंकि उसने शादी करी हिंदू नाम से, शादी के फेरे पड़वाए हिंदू नाम से। शादी करने के बाद उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, इसीलिए वो जेल में है। देखो लड़े नहीं, पढ़ो पढ़ो, ये क्या है बताओ ना, क्या है बताओ, क्या है? जिहाद का मतलब बता दूं इन्हें, जिहाद का मतलब है मुस्लिम मोहल्लों में जो मौलवी मुसलमान युवाओं के बीच में ये भ्रम फैला रहा है कि तुम हिंदू लड़की से शादी करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये जिहाद है, ये जिहाद है, समझ गए? तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हो, ये जिहाद है। और यही वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ये जिहाद के आड़ में लव को जिहाद बना के जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, ये उनके खिलाफ हमें जंग लड़ना हो। एक तुम हो, एक तुम हो, एक मैं हूं जिसे एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं, जिंदगी मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं और एक। आर्यास भाई एतराज कहाँ था जो बोल रहे थे? एतराज मुझे ये था कि भाई ने हमारे कहा कि लव जिहाद मौलवी लोग फैला रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में ये कह रहे हैं कि जो है हिंदू लड़की से शादी करो तो पुण्य होगा और उनको मुसलमान बनाओ, ये कहना जरूरत है साहब, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये मन गलत कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं। मैं कह रहा हूँ ये बताओ ये आदमी अरेस्ट क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा एनआईए को कि जांच करो केरल में, कर्नाटक में, दिल्ली के अंदर जो जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये लव है या जिहाद है? अरे जो प्यार करता है वो दूसरे में मिल जाता है, ये नहीं होता वो उसका धर्म बदलवा के कुमारी के आगे खान लगवाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहजाद पूनावाला को खड़ा करना चाहूंगा, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे शो में लगातार आते रहे, अपनी बात कहते हैं और निर्भीकता के साथ बोलते हैं, शुक्रिया, बताइए। देखिए सबसे पहले लव जिहाद से ज्यादा जरूरी है कि देश में जो आर्थिक जिहाद हो रहा है और नौकरियों पे जो जिहाद बोला जा रहा है जिसकी वजह से सब बेरोजगार हो चुके हैं, उसके बारे में बात करने के बदले लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, तो देश का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ। दूसरी बात, आज जो मीरठ में किस्सा हुआ है उसमें ये दोनों इंटरफेथ मैरिज करने कोर्ट जा रहे हैं, अगर कोर्ट जा रहे हैं तो ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट से मैरिज करने जा रहे हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट से जो मैरिज करने जा रहा है तो वो तो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं रहा, अगर धर्म परिवर्तन कर रहा होता तो वो इस्लामिक धर्म से या हिंदू धर्म से शादी करता, स्पेशल मैरिज एक्ट से नहीं करता। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लव जिहाद एक किस्सा होता है तो सारे देश में हाहाकार मचाते हैं, एनआरआई के नाम पे कितने लड़कियों को ठगा गया है, कभी एनआरआई जिहाद पे तो बात अजय गौतम ने नहीं की, तो क्यों वो बेटियाँ आपकी बेटियाँ नहीं है? और चौथी बात, जब सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान कुनाल से शादी करती हैं तो वो कौन सा जिहाद है वो भी बता दे अजय जी। मुझे एक बात बता दीजिए, करीना ने, करीना की शादी हुई, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं, मैं ये सवाल यहाँ से काटता हूँ, सुनिए, नहीं आप नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। एक मुसलमान पुरुष ने एक महिला, एक हिंदू महिला से शादी करी, अच्छी बात है, स्वागत किया, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन बच्चे का नाम अशोक भी तो रख सकते थे, तैमूरी को रख दिया। मुझे बता दीजिए ये लव जिहाद नहीं है क्या? मुझे बच्चे का नाम तैमूर, मुझे मैं एक बात बताऊं, शहजाद भाई मैं आप बैठिए, मैं आ रहा हूं, बीजेपी जाओगे तो ऐसे छिछले पानी में तुम्हें आना पड़े, ये मैं जानता था कि ऐसे छिछले पानी में उतरना पड़ेगा, नहीं चाहता था मैं नहीं चाहता था, लेकिन करें क्या। बात दरअसल बहस पर है और मैं बीजेपी के अनिला सिंह को खड़ा करना चाहता हूं जो कि यहां पे मौजूद हैं, जवाब चाहता हूं जो शहजाद पूनावाला ने बात उठाई। क्या कहा इन्होंने, या क्या इन्होंने वही रटी रटाई बातें कही हैं जो हमेशा हर जगह ये कहते रहते हैं? अरे ये सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, आर्थिक विकास के बारे में बताओ, लूटने वाले जो लुटेरे थे आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं, देश जो है शहजाद साहब विकास की राह पर चल रहा है, पर चलिए छोड़िए, अरे जाके अपने गृहबान में झांकिए, गृहबान में झांकिए, फिर यहाँ पर आकर बोलिए, अरे कुछ मोहब्बत करना सीखिए, कुछ मोहब्बत करना सीखिए। नहीं, 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 नहीं,
लोगों को ये और बात करते हैं कुछ और। यहाँ पर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, मोहब्बत, इश्क इतने खूबसूरत शब्द हैं और इस जो महसूस करते हैं वो भी बहुत खूबसूरती का वो एहसास होता है। पर जैसे अभी गौतम साहब ने कहा कि अगर आप मोहब्बत करते हो किसी से, दिल से मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, डूबे हुए हो इश्क में, अरे तो धर्म कहाँ से आ गया? क्यों उसे शादत की आप सारी कस्में दिलवाना चाहते हो? क्यों उसका धर्म बदलवाना चाहते हो? यहाँ पर एक मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं है आप, चलिए माफ करिएगा, मैंने शक्ल से लगा शायद आप मौलवी होंगे, तो खैर कोई भी मौलवी साहब ये बता देंगे कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा शादी नहीं हो सकती। वो स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का बना है उसमें नहीं करेंगे शादी। वो शादी करना चाहेंगे पर पहले जो है शर्मिला को आयशा बनाएंगे और फिर शादी करेंगे। क्यों भाई? तो भाई अगर मोहब्बत करते हो तो शर्मिला को आयशा क्यों बनाते हो? सवाल ये है कि तुम जब मोहब्बत करते हो तो पेच क्यों ढूंढते हो? सवाल ये भी है, मैं इसी पे बात करूंगा। और सबसे पहले मैं सीपीआई के मैं आता हूँ जनाब अली, सीपीआई के जो हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ शो डिबेट्स में लगातार आते रहे, आज अपनी बात रखने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्ता। अरे ये बात वापस लीजिए इनसे, ये हिंदी टॉपिक पे रहे, नहीं ये टॉपिक नहीं, ये शेर का मामला देखिए, ये हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं इस शेर के थ्रू ये एक 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 लांछन लगा रहे हैं। नहीं इसलिए ले गया कि देखिए हम लोग अगर समझदार आदमी बैठे हैं, आप हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान देखिए इस तरह के शेर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह के शेर। लव जिहाद पे बात करो जैदी साहब, शेर और बकरी तो चिड़ियाघर में भी देखाएंगे। अगर गरीब प्यार करे आपस में, अगर गरीब प्यार करे आपस में तो वो जिहाद हो गया। और अगर बनारस की बेटियां ये कहें कि मेरी आबरू की रक्षा करो तो, और रक्षा करने वाले के समर्थन में जो आए वो देशद्रोही हो गया। ये इस मुल्क का करैक्टर होने जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप द्रौपदी की रक्षा करने के लिए गोपाला आएगा या इन जैसे लोग आएंगे जो शाम को 5 बजे डिबेट शुरू कर देते हैं कि हिंदुस्तान का सारा मुस्लिम जिहादी है, और कुछ बैठ के लोग कहते हैं कि साहब हम सर्टिफिकेट देते हैं, हम तो जिहादी नहीं है। सारे करेक्टर इस बात पे, ये क्या बात कर रहे हैं, इनके पास ना तो जानकारी है कुछ भी, ये बिना जानकारी के ये डिबेट में आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं। बड़ी खबर का मैं बड़ी खबर की तरफ रुकना चाहूंगा, लेकिन फिर इसी डिबेट पे लौटूंगा। और पाजी तुम तो मोहब्बत करने वाले हो। इस देश में रहने वाले को संदेश हमारा पहुंचे बस की, हम एक वतन एक नाम है। मजहब अलग पर एक है ईमान हमारा, गॉड अल्लाह भगवान सब एक सहारा। मजहब अलग पर एक है ईमान हमारा, गॉड अल्लाह भगवान सब एक सहारा। ये जात पात में फंसा है क्यों इंसान बेचारा। हम एक बदन एक जान ये नारा हमारा। क्या बात है। वाह भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। दिनकर तुमने बहुत अच्छा गया, अभी लगा कि ये जो शाम का जैसे पाजी ने जिसको उठाया था और तुम जो शाम ढलते जहाँ तक तुम लेके आए, तो तुमने वही लौ जलाई जो सच वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया तुमने लौ जलाने के लिए और यहाँ पे शो में इस लौ को आगे बढ़ाने के लिए। पाजी अच्छा गाया इसमें, मजा आया तुम्हें? सब मालिक की कृपा। पाजी का पेट डॉलॉग है, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सब मालिक के ऊपर छोड़ देते, लेकिन यहाँ जनता है, जनता को सब
समझ में भाई जोर से बोला करो, आता है नहीं आता है? जनता को सब समझ में आता है, लेकिन मैं ऑफकोर्स मैं आऊंगा। चाहता हूँ भाई साहब का कहा था ना, मौलवी मुल्ला अपने मोहल्ले में क्या समझाते हैं, मेरे मुल्ला ने समझाया मौलवी ने, राम भगवान से भी प्यार करो, विष्णु भगवान से भी प्यार करो, और रविकांत से भी प्यार करो, अशरफ से भी प्यार करो, हिंदुस्तान से भी प्यार करो। मगर मेरा सवाल आपसे था, आप स्पष्ट कीजिए जिहाद का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते है? जनता को बहकाइए मत, पूरा मतलब बताइए सच वाला। वो बैठे हैं वहां पर, उनसे पूछिए कि आपने सही बताया कि नहीं बताया, उनसे पूछिएगा सही बताया कि नहीं बताया, जिहाद का मतलब बताइए। आप डिबेट में हैं, जिहाद का मतलब बताइए, प्यार का यहाँ सब जानते हैं। जी 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 यही बात है, अफकोर्स मैं आऊंगा। पूछिए ये लव जिहाद का मतलब बताए। आज जो मेरठ में घटना हुई उसमें क्या हुआ, एक नाबालिग लड़की थी जिसकी 18 साल से छोटी की उम्र थी, उसका नाम परिवर्तन करके शादी कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो क्या उसको रोकेंगे नहीं? और जिहाद एक फरवरी 630 में शुरू हुआ था, 1 फरवरी 630 में लव जिहाद। दिक्कत ये है कि मेक इन इंडिया के बदले हेट इन इंडिया हो रहा है। इनको पूछिए कि ये लव जिहाद सब कर रहे हैं, तो शाहनवाज हुसैन ने भी लव जिहाद किया था क्या, ये सवाल पूछिए। जी 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 प्रतीक जी, अभी सब लव जिहाद पे डिस्कशन कर रहे हैं। लव जिहाद ये है जो प्यार से दो लोग शादी करें वो लव मैरिज है, और जो जुगाड़ लगा के मैरिज की जाए और बेवकूफ बना के मैरिज की जाए, किसी लड़की को ये कहा जाए कि मैं मुसलमान नहीं हिंदू हूँ, अपना नाम असलम की जगह रवि बताया जाए, वो गलत है, और उसके लिए ही सब लोग आवाज उठा रहे। लेकिन लेकिन सारे प्रतीक जी लेकिन सारे सारे मुसलमानों को एक तरफ ले जाकर ये कहना कि आप सब लव जिहाद ही कर रहे हैं, ये भी गलत है। आप लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा, और जो गलत है आपको मानना पड़ेगा, वो चीज गलत है। जी लियाकत भाई ये इन्होंने कहा, एक बात कही और नबीतुली बात कही। शबनम खान जो यहाँ पे हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के बीच में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मतलब यह है कि बेवकूफ़ बना के जो किया जाए, अपना रिलीजन छुपाया जाए, अपनी सच्चाई छुपाई जाए, ज़्यादा बड़ी बात यह है, और सच्चाई छुपाना ये गलत है। देखिए साहब, हम इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हिंदू भाई सनातन धर्म को मानते हैं। जहाँ से इस्लाम निकला है सऊदी से, वहाँ शादी पर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। ये आज इन दैनिक जागरण में है, 14 पॉइंटों में से एक पॉइंट ये भी है कि गार्जियन या वालदेन की मर्जी के खिलाफ जब तक वो शामिल नहीं होंगे शादी नहीं होगी। और मिस्र में भी यही कानून है। ये मैंने मान लिया कि हमारे भारत का कानून लचीला है, वो इसकी इजाज़त देता है इंटरकास्ट मैरिज की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो समाज में दुर्गति होती है, हिंदू लड़की मुसलमान से करे, उसके वालदेन उसके माता पिता कहीं के नहीं रहते, और जो मुसलमान हिंदू से करे उसके कहीं भी नहीं रहते। इवन मुसलमान लड़की मुसलमान से शादी करे घर से निकलकर अपनी मर्जी से, वो भी देखिए समाज भी एक चीज है त्रिवेदी जी, समाज भी एक चीज है, बाकी जिंदगी उनकी नरक हो जाती है समाज में। मैं ये चाहता हूँ मोदी जी यहाँ से सुन ले, पार्लियामेंट में इस कानून को लाए कि शादी में लड़की की राजी के साथ माँ बाप की राजी को शामिल करें। अच्छा ठीक है, ये वाला कानून चलिए वो ले भी आए, तो पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। चलिए एक बात आपकी ये मान ली होगी मोदी जी ने, चलो मान लेंगे, तो दूसरी बात, अगर बेटा अपराध करा करेगा जाएंगे ये साथ में जेल, माता पिता साथ में जेल जाया करेंगे ये मानेंगे? अगर किसी लड़की को टॉर्चर किया जाएगा तो ये माँ बाप साथ में बंद के जेल जाया करेंगे? ये भी कानून आएगा, ये भी कानून लाना पड़ेगा फिर क्या? ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी झूठ बात मत बोलिए कि मुसलमानों में तो माँ बाप के बिना शादी नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं, सारे लड़के तो मुसलमानों के बिना माँ बाप के शादी कर रहे हैं, और ले लेके इधर माँ बाप की बेकदरी, इतने माँ बाप की बेकदरी कर रहे हैं आप, तो वहाँ तो जाके उनकी हेल्प करते नहीं है। आप अपनी बात करके शादी करा के देखना, आप कहीं की रह जाएंगी समाज में, आपको इतनी फजीहत और लानतें झेलनी पड़ेंगी, इतनी लानतें झेलनी पड़ेंगी, जिंदगी दूभर हो जाएगी जिनकी। माँ बाप की मर्जी के शादी नहीं होनी चाहिए, बिना माँ बाप की मर्जी के शादी नहीं होनी चाहिए। इनका सुर एक हो गया, इनका सुर इसलिए एक हो गया क्योंकि
कहता प्रतीक जी कि ये कबीरा गुनाह है, माँ बाप की मर्जी को तोड़ना जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने परवरिश की। मुसलमान लड़के अरे हाथ पीछे हटाइए, मुसलमान की कितनी सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, उनको ताक में धर के संभालिए जो माँ बाप को छोड़ रखा है, अस्पताल तक नहीं ले जाते। अरे उन मुसलमानों लड़कों को समझाया आपने जो अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं कर रहे, पढ़े बाहर माँ बाप को फेंक रखा है कूड़े में। और बहुत यहाँ सेवा का मुद्दा नहीं, माँ बाप का बहुत से कर रहे हैं, बहुत से ना भी कर रहे हैं, धर्म याद आएगा। और जब माँ बाप की सेवा का मुद्दा आएगा तो आप पतली गली पकड़ जाओगे, ऐसे थोड़ी बचने दिया जाएगा। लियाकत भाई, लियाकत भाई, लियाकत भाई, लियाकत बंद होना चाहिए इस देश के अंदर। ये जो 15 लाख रूपए लोग मांगने वाले खड़े हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख रूपए हम डालेंगे, लेकिन उससे पैलेट गन और गोली बारूद खरीदो जो हमारे कश्मीर में मारे जा रहे हैं उनके लिए खरीदो। मुद्दा 15 लाख का नहीं है। तीन चीज है, बैठो, अरे क्या बैठो, बैठो भाई बैठो, अरे बैठो गौतम बैठो। ये कहते हैं कि सऊदी की कंस्पिरेसी से लव जिहाद चल रहा है। अगर सऊदी की कंस्पिरेसी से लव जिहाद चल रहा है तो सऊदी से तेल भी मत खरीदो। दूसरी बात, लव जिहाद नाम की जो चिड़िया है, सबसे पहले कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी रिपोर्ट दिया कि कोई लव जिहाद नहीं है, तो तब सीआईडी ने जो रिपोर्ट दिया उसने क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लव जिहाद जिसका विश्लेषण शबनम जी ने किया कि थकते हैं नाम बदल के धर्म बदल के, तो मुझे वो बताओ कि जब आदमी अपनी बीवी को बिना तलाक छोड़ देता है तो वो कौन सा जिहाद है, वो हमको बताइए। और आखिरी बात ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और वहाँ पे बाबा बचाते हैं, बाबा राम रहीम को बचाते हैं, और यहाँ पे बेटी मर्जी से शादी करना चाहते हो तो नहीं। रिश्ते तो दो परिवारों में होते हैं, पहले रिश्ते तो दो परिवारों में होते हैं, जब तक दो परिवारों में रिश्ते ना हो 100 में से 97% रिश्ते, 100 में से 97% रिश्ते टूट रहे हैं। ये लव मैरिज के चाहे कोई भी कर रहा है, ये टूट रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनी, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे जवाब लूंगा। देखिए मैं पूना वाले साहब का, मैं उनको घूम फिर के जो भारत के मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा तंत्र है उनके ऊपर प्रहार करने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि अब आप देखिए इस वक्त हमारे जो ये भाई हैं इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप सबका सम्मान कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको, क्या आपके कम्युनिटी में लड़कियां नहीं हैं? ये बताइए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों की क्या अकाल पड़ गई है कि आप दूसरी जगह और कहीं ना कहीं देखिए। अरे एक मिनट सुन लो शाहनवाज हुसैन की बात, वो उन्होंने देखिए उनको उन्होंने देखिए देखिए वो मोहब्बत है, मोहब्बत की शादी है, आप उसको जिहाद नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे धर्म नहीं परिवर्तन हुआ है, वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं लेकिन आप इस तरह की हल्की बातें कांग्रेस और उनके जो तथाकथित जानने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं करते हैं उन्हें परहेज करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल अलग है, निकम्मी नाकामयाब सरकार का माहौल नहीं है कि आप कुछ भी कह दो कुछ भी कर लो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और भारत में हम हमारा इनका। प्रतीक जी 10 सेकंड देखिए, दिल गुजर गया है जलील एक बरस, आज हजार काबा एक दिल बेहतर है। शेख सादी ने कहा है कि 1000 काबों से एक दिल बेहतर है, और हाँ शेख सादी का ये शेर है, आज हजार काबा एक दिल बेहतर अस्त, दिल गुजर गया है जलील अकबर अस्त, दिल में से खुदा निकलता है। अगर मैंने बता दिया 1000 काबा मोहब्बत की बात समझ में आती है, तो इसमें ये है कि दिल टूटता है माँ बाप का, माँ बाप रुसवा हो जाते हैं समाज में, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस कानून में तबादला होना चाहिए। ये अंग्रेजों को कानून बदलना चाहिए और भारतीय संस्कृति का कानून हमारी पार्लियामेंट को लाना चाहिए, शादी में माँ बाप की राजी शामिल करनी चाहिए। देखिए ऐसा बीजेपी की प्रवक्ता, एक मिनट बहुत शांति से सुनने दीजिए जी। यहाँ पे खैर शहजाद साहब आपने अभी ये लड्डू नहीं खाया है शादी का, तो आप इसका मजा नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी यहाँ पे मैं देख रही हूँ युवा खड़े हुए हैं। देखिए मोहब्बत इश्क बेहद खूबसूरत चीज है और मैं ये कहती हूँ सबको करना चाहिए, इस एहसास से सबको गुजरना चाहिए। पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप बाबा से मैं बात करूंगी, मेरी बात करा देना ठीक है जी। पर मैं ये केवल ये कहना चाहती हूँ प्रतीक जी, सब कुछ ठीक है
पर ये है, अरे मजहब क्यों बदलवाते हो, जरा ये बता दो, बुर्के में क्यों कोर्ट में ले जाते हो ये बता दो। अगर वहाँ पे बजरंग दल वाले पहुँचते हैं, नाम पूछते हैं, तो अपना हिंदू नाम बताने में वो लड़की क्यों घबरा रही है, क्यों नहीं जल्दी प्यार के ऊपर हाँ। वो प्यार को क्या जाने है, डूबा जो हवस में हाँ। वो मिश्री घुली प्यार में जो है ना किसी रस में, जो मिश्री घुली इस प्रेम रस में। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं ओ देखो, भैया जी कहीं फसल लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं फसल लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो आपने सवाल आज पूछा था, ठीक 5:45 पर जो आपने ट्वीट किया था वो ये था कि क्या मर्जी से शादी को लव जिहाद का नाम देना सही है, ये सवाल था, जो कि ट्विटर हैंडल @प्रतीक टीवी के नाम से पूछा गया था, जिसपे आपने अपने जवाब दिए हैं। उसके मुताबिक 42% यस कहते हैं, हाँ कहते हैं मर्जी से शादी को लव जिहाद का नाम देना सही है, इसमें 42% कहते हैं, और 58% कहते हैं नहीं। तो सवाल ये था कि क्या मर्जी से शादी को लव जिहाद का नाम देना सही है, इसको 58% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन 42% एक बड़ा अमाउंट ऐसा है, सोचने का है, और बड़ी नेक टू नेक पड़ी रही है ये बातचीत। लेकिन मैं आता हूँ, सवाल पूछूंगा जी। पहला ये सवाल जी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो लव जिहाद है वो सब धर्मों से अटका हुआ है, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मजहब स्टार्टिंग में मज़हब बनाए गए इंसानियत को बचाने के लिए, लेकिन आज मज़हब ही इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, क्यों क्यों बन चुके हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए। मेरा एक सवाल मैडम को जवाब देना चाहता हूं, मैं मैडम को जवाब देना चाहता हूं, जो कह रहे थे धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं, बीजेपी को मैं सर जितने युवा यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के वक्त में कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा सकता है, और मैं पूछना चाहता हूँ, जाके पूछिए करीना कपूर से, जाके पूछिए सलमान खान से जो मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, करीना कपूर से पूछिए क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या जबरदस्ती किया है, पूछिए उनसे जाके। जी अगर अगर करा नहीं सकता तो करा कौन रहा है, जो लगातार बहस चल रही है और लोग ये इस पे चर्चाएं चल रही है, अगर नहीं होता नहीं, हम करवा रहे हैं ये तो जो करवा रहा है वो तो खुद ही पता चल रहा है जी, तो करवा कौन रहा है, ऑफकोर्स आता हूं, आ रहा हूं, शहजाद, जी सर ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, तो सर जब याकूब मेनन को फांसी हुई थी तो जबरदस्ती रोड पे आ गए थे, ये आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी था, और आपको उसके मरने के बाद भी आ जाते हो कि उस आतंकवादी को जनाजा देने आ जाते हो, किसी देशभक्त को देने आयो जनाजा, किसी देशभक्त को जनाजा देने आयो, एक आतंकवादी को देने आ जाते हो, एक आतंकवादी के पास आ जाते हो, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये है जिहाद, यही है जिहाद, ये जो आप करा रहे हो ये है जिहाद। क्या नाम है तुम्हारा? आकिब। हां ये जिहाद है। आकिब क्या कर रहे हो? सेंटेंस चेंज नहीं कर रहा हूं, जिहाद का मतलब बता रहा हूं। एक मिनट, क्या बात है पाजी, कहां जाते हो आप भी, आप पाजी क्या बात है। और सवाल ये है कि जनता पूछ रही है एक दूसरे से सवाल, मैं अनिला जी के पास आना चाहता हूँ, फिर जाना चाहता हूँ सीपीआई के प्रवक्ता के पास। देखिए ऐसा है कि अभी एक मेरे भाई ने ये बार बार ये पूछ रहे थे, सफेद कुर्ते पजामे वाले, सुन लो भैया, आप बार बार ये पूछ रहे थे अरे जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है, जनाब एंटी रोमियो क्या है जरा बता दो, एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए बना था जिसे लव जिहाद में बहकाया ना जाए और धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, है ना, आयशा को शर्मिला ना बनाया जाए, अरे मोहब्बत करते हो तो धर्म को किनारे रखो ना, धर्म को किनारे रखो, एंटी रोमियो जो है ऐसे ही लोगों के लिए। मैं आया जी। प्रत्येक भाई उर्दू का शेर तो समझ में नहीं आया, हिंदी का बता देता हूँ, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ए मौला ए राम, जितनी इज्जत बनी थी अब तक सब होगी वीरान। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र तरीके से जाके हमारा बच्चा वोट दे के आ सकता है, 18 साल की उम्र में अपने आप शादी करने की अकल नहीं रखता है।
तब इसे चुनाव देने का अधिकार क्यों दिया गया? दूसरे एक चीज और प्रतीक जी, एक सज्जन साहब ये कह रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर से जो मौलवी बैठे हैं वो जिहाद फैला रहे हैं, परिवर्तन करा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो उस कम्युनिटी के अंदर क्यों रहते हैं जहाँ करना चाहिए लव जिहाद फैला जा रहा है? इनके जैसा अधर्मी आदमी जो धर्म को नहीं मानता हो, ये कम्युनिस्ट लोग हैं। नहीं, सच्चाई सुनिए, ये कम्युनिस्ट लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, नाम के मुसलमान हैं। ये हमसे सवाल करेंगे, नहीं मानते ये कम्युनिस्ट को नहीं मानने वाले, ये भारत के मान नहीं करने वाले, ये इन नहीं नहीं सुनना होगा। ये जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे देने वाले, ये हमसे कहेंगे। इनकी इनकी इतनी भी वैल्यू नहीं है समाज में कि ये खड़े होके बात कर सकते हैं इस्लाम शरिया और हदीस के बारे में, ये हमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दा इस वक्त लव जिहाद का है। देखिए, मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात आराम से मैं बात कर, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप। व्यक्तिगत उन्होंने कहा तो व्यक्तिगत उन्होंने सुन लिया, क्योंकि इनकी कोई इस्लामिक तौर पे कोई वैल्यू नहीं है। उनकी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, के बारे में नहीं। उन्होंने देखिए लव जिहाद के बारे में सुन लीजिए आप। हमारा ये कहना है कि जो शादियां, जो लोग, अभी हमारी बहन इतनी अच्छी, जो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत सी चीज है कि जिसको हो जिसको होता है उससे भी जानिए, जिसको नहीं हो उसकी तड़प जानिए आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। आप तथाकथित में हमने मौलवियों की बात करी थी, जो लोग कहीं ना कहीं दिमाग में जिहाद सवाल ये है, अभी जैदी साहब ने एक बात कही, क्या 18 साल का जो बच्चा है उसको वोट देने का अधिकार है तो मर्दी से शादी करने का अधिकार नहीं है? मैंने कहा जैदी साहब बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये अधिकार मुझे बता दीजिए, जब एक एक खबर छपती है अखबार में तो चिंता हो जाती है, मुस्लिम वुमन वेड्स हिंदू मैन एंड बोथ किल्ड। सर मुझे बताइए, 5 हिंदू लड़के मार दिए गए जिन्होंने मुसलमान औरतों से शादी करी थी, बताइए तो ये बात उनको क्यों नहीं समझाई? ये बताइए, यहाँ अभी के अखबार निकलता है उसी की खबर है कि 5 हिंदू लड़कों का कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने मुसलमान लड़कियों से शादी करी थी। प्यार देश को जोड़ने का काम करता है। आप प्यार को भी ये जिहाद और ये झगड़ा है, वो हिंदू लड़की थी, वो मुसलमान लड़का था। अरे प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार को सवाल यही है, सवाल यही है। ऑफ कोर्स एक ही मुद्दा है, एक इन्होंने कन्वर्जन की बात की तो मुझे तो एक ही केस याद आ रहा है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का, कि दोनों ने धर्म परिवर्तन किया था। पर यहाँ पे मेरे पीछे आकाश है और आशिफ है, हिंदू और मुसलमान है, इनकी बात सुनिए लव जिहाद पे क्या बोलना चाह रहे। मैं अपना मौका इनको देना चाहता हूँ। चलिए भाई बोलिए बोलिए आसिफ। आकाश, अगर लव जिहाद जो ये कह रहे हैं, अगर इस तरह के अगर कुछ क्राइम हुए हिंदुस्तान में, अगर क्राइम हुए हैं तो उसको कानून से कठोरता से निपटना चाहिए, ना कि राजनीतिक मुद्दा बना के समाज को बांटना चाहिए। और इनका 17 राज्य में सरकार है, अगर कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट्स होता है, किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है, किसी भी तरह का कोई गतिविधि होता है, पुलिस है, सब कुछ है इनके पास। तो पुलिस भी सरकार है 17 जगह, आप कठोरता से निपटिए, आपको कठोरता से निपटना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, अगर अब मैं कहता हूँ, आज आपने शुरुआत करी कि बजरंग दल ने मेरठ के अंदर जो है एक नाबालिग लड़की को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया। मैं कह रहा हूँ कि जो 5 हिंदू लड़के मारे गए, बड़े बड़े करते हो। सवाल ये है कि आप कठोरता से एक न्याय वाले आपके पास है। एक मिनट, आप कठोरता से निपटिए। आप अगर आपको लगता है कहीं कोई गलत है तो आप कानून है आपके पास। नहीं, बिल्कुल निपटते हैं। और हम तो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के साथ रहो, कोई मारपीट मत करो, पर ये है किसी को झूठ मत बोलो। देखिए, मैं इन लोगों का, एक सारे लोगों का जो अभी बात कर रहे हैं ना,
मैं इनके नेता इनके नेता की एक बात बताता हूँ। देखिए ये वही लोग हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आज खुद मंदिर पहुंच रहे हैं। ये जनता ने सब सुना है, ये जनता ने सब सुना है। बाजी क्या बात है, तो अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे भैया जी कहीं में।